आप सभी जानते हैं कि हर दल अपने अपने प्रत्याशी तय करते हैं और घोषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सीधी विधानसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है और इस हेतु जो ये सामान्य सौहार्द जो भेंट का कार्यक्रम है जिसमें मैं अपने सभी मीडिया के बंधुगणों को आमंत्रित किया है, इस दौरान मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन के मुखिया सम्मानी देव कुमार सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की कार्य समिति और पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में जिले के संयोजक चुनाव के दृष्टिकोण सम्मानी के तिवारी जी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का कार्यभार निभाया है, लिया है और निर्वहित किया है, सम्मानी बिज बिहारी लाल शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी सुरेंद्र मणि जी जो इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं, कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथ में हमारी बहन मलीना मनीला सिंह जी हैं जो उनके सहयोगी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिले की तरफ से मीडिया को देखती हैं। हमारे दोनों छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी और विक्रम सिंह चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे, जिन्होंने युवा मोर्चा में देखा और अन्य कई पदों में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मेरे समक्ष ऐसे कई वरिष्ठ ठहरे हैं, मैं सभी को आत्मीय संबोधन करती हूँ, उनका सम्मान कर रही हूँ और बहुत सारे नए युवा चेहरे भी हैं जो लगातार हमारे जिले की मीडिया में कार्यरत रहकर निष्पक्षता से हर विषय को सामने लाने के लिए प्रयासरत है। आज के इस भेंट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सीधी विधानसभा से प्रत्याशी तय किया है और निश्चित रूप से इसमें आपकी अहम भागीदारी है। किसी भी विषय को निष्पक्षता से आगे पहुंचाने के लिए, निष्पक्षता से उसकी आवाज बनने के लिए, निष्पक्षता से उसको दृश्य बनकर जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो मैं इतना मानती हूं और आपसे मेरी ये अपेक्षा भी है कि आप सभी इस लोकतंत्र के इस पर्व पर निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का साथ दें और मैंने सदैव ईमानदारी से सीधी जिले के सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और आगे आने वाले समय भी इसी तरह से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मैं अपने कदमों को बढ़ाऊंगी, इस बात का मैं भरोसा सिर्फ आपको दिला सकती हूँ। लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि इस समय में जहाँ पर हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, आप सबकी भूमिका, आप सबका सहयोग निष्पक्षता के भाव से हो और सदैव आपने क्षेत्र से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक अपनी अहम भूमिका निभाई और इसी कारण हमारे सरकारों के किए गए जो कार्य हैं वो जनता तक आते हैं। जब भी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे गरीब के पास, बहुत सारे ऐसे परिवारों के पास जब किसी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो मीडिया उसमें अहम भूमिका निभाती और मीडिया के माध्यम तक तो पोर्टल्स आ गए, मीडिया के माध्यम से कई ऐसी विशेष जानकारियां उन आमजनों को मिलती हैं, उन असहाय जनों को मिलती हैं, शायद जहां तक हम जैसे लोग या सरकार के कर्मचारी या अधिकारी पहुंचने में अपनी क्षमता नहीं रख पाते। तो इसलिए आपका जो सहयोग है वो काबिले तारीफ था, है और आगे भी रहेगा और ये सहयोग राष्ट्र हित में हो, बस मेरी आपसे अपेक्षा है ये सहयोग शुभता की ओर आगे लेकर जाए हमारे क्षेत्र को और आगे आने वाले समय को, यही मेरी आपसे अपेक्षा है आपके सहयोग की और आपके साथ की। आप सभी स्वस्थ रहें, धन्यवाद, जय हिंद।